हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एंड्रो गेमर्स में। और इसी की हम बात करने वाले हैं जो कल ये अपडेट आया है। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग अपडेट मैं इसे बोलना चाहूँगा, क्योंकि गेम काफ़ी स्लो हो गया है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो एंड्रॉयड डिवाइसेस में, खास करके आईफोन पे भी मैंने खेल के देखा, आईफोन में वो स्मूथ चल रहा था बिल्कुल बटर की तरह। लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने 3D बना दिया है, जो हर एक के फ़ोन के लिए कंपैटिबल नहीं है। इन्होंने ये ज़रूर देखी, आपके सामने जो कमेंट्री पैक हैं ये ज़रूर फ्री कर दिए हैं। ये जो कुछ पता नहीं कौन सी लड़की है, कौन सा बंदा, ये फ्री में ये कर दिए हैं। चलो पहले तो ये भी पेड थे, पता नहीं कौन से सड़क साफ लोगों से कमेंट्री करा के उन्हें पेड कर दिया था। लेकिन संजय मांजरेकर का तो समझ आता है, लेकिन ये चलो फ्री कर दिया है। ये UI भी बिल्कुल नया, ग्राफिक्स नए कर दिए हैं, ये अच्छा लग रहा है। पुराना कलर बिल्कुल इन्होंने रियल क्रिकेट 19 ही बना दिया है। तो चैलेंज मोड को यहाँ पे जगह दे दी गई है। तो टेस्ट मैच में देखिए ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्राफिक्स में कोई भी मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। टूर्नामेंट्स की भी बात करेंगे आगे चल के। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। तो आज हम करेंगे इसका डिटेल में रिव्यू। तो चलिए मल्टीप्लेयर खोलते हैं। तो मल्टीप्लेयर में एक नया ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है जिसका नाम है स्पिनिंग व्हील। तो रोज़ आपको ऐड देखनी होगी, एक बार भी मतलब चलो आज अपडेट आया सालों, एक तो फ्री दे दो, एक भी फ्री नहीं दिया, ऐड देख के आपको लेनी पड़ेगी। अगली स्पिन आपको हर 24 घंटे के अंदर एक स्पिन मिल जाएगी। अगली स्पिन मेरी आएगी 11 घंटे के बाद। और 10 स्पिन अगर आप लेना चाहते हैं तो 100 रुपये, मत खराब कीजिए। तो बाकी सारा कुछ सेम है, हमारा 2P बिल्कुल सेफ है पहले की तरह। लेकिन अब शॉप पर डाल देते हैं, क्योंकि जो 1P है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बनाया है इस बार। तो शॉप में देखिए जर्सीज का बिल्कुल UI नया चेंज चुका है, देख लेते हैं लोगो कौन सा है। सिर्फ ये बूढ़े शेर वाला लोगो छोड़कर बाकी सब पुराने हैं। और बैट स्टिकर की बात करें तो सिर्फ एक बैट स्टिकर मुझे नया लगा, बाकी सभी के सभी पहले से ही एग्जिस्टिंग है, सिर्फ RC में शायद दो हैं। तो चलिए प्लेयर कार्ड के ऊपर नज़र मार लेते हैं, प्लेयर कार्ड्स का क्या प्राइस चेंज हुआ या नहीं। तो प्राइस तो भाई मुझे लगा बढ़ा जरूर होगा, कम तो नहीं हुआ बिल्कुल भी। लेकिन अगर हम कार्ड पैक की बात करते हैं तो कार्ड पैक काफ़ी नए चेंज हुए हैं। जैसे आपको अलग अलग से प्लेयर्स ढूंढने की ज़रूरत पड़ती थी भाई, एक एक लाख का आपको खोलना पड़ता था, तो ये कंट्री वाइज अलग से प्लेयर दे दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात की, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि आपको ज़्यादा अपना माथा पच्ची ना करनी पड़े। लेकिन इसमें अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, मुझे किसी व्यूवर ने बताया था कल कि इसमें श्रीलंका का कोई भी प्लेयर पैक नहीं है, तो ये बहुत ही गलत बात है भाई। श्रीलंका के प्लेयर्स के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है, श्रीलंका का भी प्लेयर पैक इसमें ऐड होना चाहिए। तो चलिए ये रही दूसरी बात, और चलते हैं अपने फेवरेट 1P मोड में। 1P मोड में बिल्कुल सेम दिख रहा है, रैंक्ड मोड, सिर्फ रैंक्ड मोड होता था, लेकिन रैंक्ड मोड को अब इन्होंने बढ़ाकर इसके 3 मोड्स और दे दिए गए हैं, ड्रीम टीम चैलेंज, प्रीमियर लीग, जो कि अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। तो चलिए रैंक्ड में देखते हैं क्या है, यहाँ पर टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा। ये देखिए बिल्कुल नया इन्होंने UI दे दिया है, बिल्कुल प्लेयर कार्ड ऐसे कैसे हमें दिख रहे हैं। तो मेरे पास जो ये कि 5 बैट्समैन होने चाहिए टीम का कंपोजिशन। पहले ऐसे नहीं कि आप सभी के भी ऑलराउंडर भर्ती कर लोगे, पहले यही होता था हीरो लेजेंड में हम लोग भर्ती कर लेते थे, 5 बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, एक विकेट कीपर और 4 बॉलर्स आपकी टीम में होने ही चाहिए। तो ये देखिए ये हायर अ प्लेयर फॉर अ डे, बहुत ही टुच्चा सा एक मैं कहूँगा फीचर है। एक दिन के लिए आप प्लेयर ले सकते हो, 200-400 क्यों ख़राब करोगे भाई। ये देखिए यासिर शाह को एक दिन के लिए आप 300 रुपये में खरीद सकते हो, किराए पे भाड़े पे ले सकते हो प्लेयर। तो मेरे हिसाब से आपको भाड़े पे प्लेयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा रैंक्ड मोड पहले की तरह, बस थोड़ा UI चेंज हो गया है। और टीम कॉम्बिनेशन, ड्रीम टीम चैलेंज के बारे में काफ़ी लोगों ने बोला, इसमें जो बॉलिंग के जो वेरिएशन है वो नहीं आ रहे। लेकिन अगर जिनको ये शिकायत थी कि मैं इसमें आपको 100 क्रेडिट लेके टीम बनानी होती है, 100 टीम, तो आप सभी के सभी हीरो लेजेंड भर्ती करके टीम नहीं बना सकते। जिनको ये शिकायत थी कि भाई हीरो लेजेंड काफ़ी मिल रहे हैं हमें रैंक में, तो आप ड्रीम टीम चैलेंज खेल लीजिए, इसमें कोई भी आपको एक या दो हीरो लेजेंड लेके टीम बनाता नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल फेयर कॉम्पिटिशन होगा, अगर आप में टैलेंट है तो आप ज़रूर जीतोगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर से इसमें भाड़े वाले प्लेयर दे रखे हैं, तो भाड़े वाले प्लेयर भाई मत लेना, आपका पैसा है भाई, आपकी मर्जी है आगे। तो जो सबसे डिमांडिंग टॉपिक था भाई ये प्रो सीरीज़ का, और ये प्रीमियर लीग अभी नेक्स्ट लीग ये भी रैंक्ड में है, तो बिल्कुल मल्टीप्लेयर पे कुछ ना कुछ होगा, ये सीज़न 3 का शायद।
तो सीज़न 3 में शायद प्रो सीरीज़ भी होगा, तो प्रो सीरीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुई है भाई, इसे खेलने की कोशिश मत करो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब आप टीम बनाते भी हैं, कोई भी टीम बना लो आप, तो जब आप टीम बनाओगे तो आपको आएगा कि 4 प्रो प्लेयर्स आपको ऐड करने होंगे। ये कैसे करने होंगे ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ था प्रो प्लेयर्स विल बी, लास्ट वाली लाइन देखिए, प्रो प्लेयर्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड एवरी सीजन एंड विल बी डिसाइडेड इन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड पॉपुलैरिटी। प्लेयर्स अगर आप खेले होंगे, मेरे हिसाब से जो प्लेयर आपने खेले होंगे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्लेयर प्रो प्लेयर्स में आएंगे, उनके कार्ड्स प्रो प्लेयर में ऐड हो जाएंगे, या फिर जिस हिसाब से आपने परफॉर्म किया होगा अपने प्लेयर्स को लेकर, मतलब कि आपकी रैंक टीम में अगर मान लो मार्टिन गप्टिल है या फिर है डेविड वॉर्नर, अगर आपने उनसे अच्छा स्कोर किया होगा तो शायद वो प्रो प्लेयर्स में आते हैं। इनमें दोनों में से कुछ भी हो सकता है, खैर हम तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो प्रो प्लेयर पे काफ़ी इन्होंने चल रहा था, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल के ये बिल्कुल रियलिस्टिक फीलिंग देना चाहते हैं। इसका एक और सबूत है, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को कल ये भी आया जो खेलने की कोशिश कर रहे थे, ये देखिए आंद्रे रसल हैज़ बिन इंजर्ड, ये प्लेयर इंजरी भी ऐड हो गई है। ये आंद्रे रसल इंजर्ड हो गए हैं और नेक्स्ट अवेलेबल होंगे 3 दिन के बाद, 3 दिन का रेस्ट चाहिए होगा इस प्लेयर कार्ड को। तो काफ़ी रियलिस्टिक फीलिंग देने की इसको कोशिश की गई है, तो हो सकता है कि इंटरनेशनल फॉर्म्स के ऊपर प्रो प्लेयर्स ये कंसिडर करें, तो देखने वाली बात होगी भाई अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरे हिसाब से ये इन्हीं दोनों में से कोई कारण हो सकता है जो प्रो प्लेयर्स का, क्योंकि प्रो प्लेयर्स का अभी तक कोई भी अलग से इन्होंने डेफिनेशन नहीं दिया है। हायर अ प्लेयर फॉर द डे, हो सकता है ये प्रो प्लेयर्स यहाँ पर शायद आपको हायर अ प्लेयर में शो हो जाएं। तो प्रो प्लेयर आपको मेरे हिसाब से खेलने की ज़रूरत नहीं है, जब सीज़न 3 अभी 1-2 दिन में चल जाएगा। तो चलिए भाई अब देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। तो ये थे हमारे कार्ड पैक, कार्ड पैक में कुछ नए प्लेयर्स भी ऐड हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भाई जो चैट ऐड हुई है, चैट के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी को अब्यूज़ बिल्कुल भी मत करने की सोचिएगा भाई, अगर आपको कोई नेगेटिव करता है तो भी आप मत बोलिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपकी आईडी खा जाए। आप सभी की स्टार्टिंग होगी 100 मेरिट पॉइंट से, जी हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी आपका आपको हर रोज 3 मेरिट पॉइंट मिल लेंगे। तो अगर आप किसी को अब्यूज़ करते हो तो 10-10 मेरिट पॉइंट आपके कटेंगे पर रिपोर्ट अब्यूज़ पे, और अगर आपके 0 मेरिट पॉइंट हो जाते हैं तो समझ लिए आपने 10 बार किसी को अब्यूज़ किया तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी 3 दिन के लिए, और ऐसा अगर 3 बार होता है तो आपकी आईडी को परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। तो कल ये जो पोस्ट थी, हम देख लेते हैं कि टूर्नामेंट अब कब तक आ रहे हैं, जो हमसे सर्वे कराया गया था यहाँ पर, ये देखिए AI टीम सिलेक्शन, और ये अगर आप देख सकते हो तो एज भी, अगर आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, एज भी ज़्यादा लगने लग गए हैं। तो नेगेटिव बॉलिंग जो है वो काफ़ी अब पॉपुलर होगी, जो पहले होती थी बिल्कुल रियल क्रिकेट 19 बना दिया है। AI के एजेस भी लगेंगे, तो एज में इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो चलिए देख लेते हैं इनका क्या क्या शेड्यूल है, क्या क्या टूर्नामेंट लाने का। तो ये रहा इनका शेड्यूल, दिसंबर 21-27 तक आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। T10 प्रीमियर लीग वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी आप सभी के लिए ओपन हो जाएगी, और अगर RCPL का ऑक्शन खेलना है तो वो भी जनवरी 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ उन्होंने फ्री दे दिया है, नया लुक दे दिया है, लेकिन गेम प्ले थोड़ा इमर्सिव होना चाहिए भाई, थोड़ा लैग हो रहा है। तो मैं रियल क्रिकेट से यही दरख्वास्त करूँगा कि भाई इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर दिया जाए। चलिए अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि कुछ और चेंज हुआ है, आप लोगों को कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उनका ज़रूर हल करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टाटा गुड बाय आप सभी लोगों को। तो हो सकता है आज शाम को एक लाइव स्ट्रीम भी हो, उसमें मैं आपके कुछ सवालों को जवाब दूँगा, जो भी सवाल होंगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। चलिए टाटा गुड बाय, लव यू ऑल।